उत्तराखंड में इस दौरान चार धाम यात्रा चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में कम से कम एक बार चारों धामों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूँ ऋतु बिष्ट। चारधाम यात्रा का आगाज हुए काफी वक्त बीत चुका है। बद्री केदार के जयकारों के साथ श्रद्धालु निकल पड़े हैं। भक्तिमय माहौल में मानो कोई अलौकिक शक्ति भी भक्तों के साथ चल रही है। सचमुच लोक आस्था, श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ विश्वास का एक ऐसा अनूठा संगठन और कहां देखने को मिलेगा। पौराणिक मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से चारों धामों के दर्शन करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी भी होती है। कहते हैं कि जिंदगी में एक बार जरूर चारों धामों के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से इंसान को जन्म मृत्यु के चक्र यानी कि पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भक्त जल ग्रहण करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं बद्रीनाथ धाम को लेकर मान्यता है कि जो एक बार बाबा बद्रीनाथ के धाम के दर्शन कर लेता है वो दोबारा गर्भ में नहीं आता, यानी कि उसे मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जो कोई भी भक्त चारों धामों के दर्शन करता है वो पाप मुक्त हो जाता है। अगर उसने जाने अनजाने में कोई पाप किया है तो उन सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इन चारों धामों की यात्रा इतनी आसान नहीं है, दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन साथ ही यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ होता है। लोग मानते हैं कि ऐसा वातावरण न सिर्फ तन को बल्कि मन को भी शुद्ध करता है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। हिंदू धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा तरजीह दी जाती है। इंसान का आध्यात्मिक उत्थान बेहद जरूरी होता है। कहते हैं कि चारधाम यात्रा करने से इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म का अर्थ है परम तत्व से आपका जुड़ाव, यानी परमात्मा से जुड़ाव। कहते हैं कि जब इंसान को सत्य का ज्ञान हो जाता है तभी इंसान का परमात्मा से जुड़ाव हो जाता है। मान्यता है कि चारों धामों की यात्रा करने से इंसान को सत्य का ज्ञान होता है। लोग जीवन का अर्थ समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति जुड़ाव को महसूस कर पाते हैं। चारों धामों की यात्रा आपको संस्कृति दर्शन भी कराती है। इस यात्रा में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जब आप उनके साथ यात्रा करते हैं तो उनके पहनावे से लेकर खानपान व्यवहार को समझ पाते हैं। वो लोग किसमें आस्था रखते हैं ये जानकारी भी आपको मिल पाती है। जब ऐसा होता है तो आप समाज को अपने करीब पाते हैं। संस्कृति के करीब से दर्शन करने से आपके व्यवहार में बदलाव आता है और आप अच्छे इंसान बनते हैं। चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा कई अहम पड़ावों से होकर गुजरती है। इस दौरान आपको प्रकृति के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल जाते हैं। सुंदर सुंदर पहाड़ियां, कल कल बहती नदियां, बुग्याल, पहाड़ी फूल, ऐसे ही प्रकृति के बिखरे हुए कई रंगों को आप करीब से देख पाते हैं। ये सुखद अनुभव भी आपको चारधाम यात्रा के दौरान ही मिल पाता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं या नहीं।